Hey, what's up guys? Welcome to this video and आज हमारे पास यहाँ पे है Noise Source Neo 2 जो एक truly wireless earbud है जिसका इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं। इस earbud की जो प्राइस की बात करें तो वो थोड़ी सी confusing है। कहने के लिए तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 5,999 रुपीज़ है, बट अभी अमेजोन पे आपको 1,999 रुपीज़ से 2,299 रुपीज़ की प्राइस टैग के साथ खरीदने के लिए मिल जाता है। तो यस, एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आजकल काफ़ी ब्रांड्स जो है ये फॉलो कर रही है, सही तरीका नहीं है एंड काफ़ी लोग जो इस ट्रैप में फंस भी जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, इसको टेस्ट करके और बाकी 5,000 रुपीज़ के अंदर की जो दूसरे ईयरबड है उससे कंपेयर करके हम पता तो लगा ही लेंगे कि इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए एंड ये उस प्राइस सेगमेंट में भी क्या ये खरीदने लायक है कि नहीं। तो चलिए, आपका वैल्यूएबल टाइम एंड इंटरनेट डेटा ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग और साथ में बात करते हैं ब्रांड के बारे में। तो नॉइस वैसे तो जो है एक इंडियन ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर है अपने स्मार्टफोन एसेसरीज एंड ऑडियो प्रोडक्ट को लेके। ब्रांड इंडियन है बट इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर मेड इन चाइना होते हैं, तो ठीक वैसे ही ये प्रोडक्ट भी जो हमारा चाइना से ही इम्पोर्ट किया हुआ है। बॉक्स कंटेंट में नज़र डालें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है कुछ पेपर वर्क जिसमें शामिल है वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल। वैसे तो कोई नहीं पढ़ता यूज़र मैनुअल को, बट यहाँ पे एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना। इसकी चार्जिंग, बैटरी इंडिकेशन और कंट्रोल को लेके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार ज़रूर टाइम निकाल के पढ़ ले। कुछ डिफरेंट साइज की सिलिकॉन एयर टिप्स एंड ईयरफिन्स आपको यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा सा माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल भी दिया गया है जिसको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है एंड फाइनली हमारा यहाँ पे जो है मेन यूनिट मिल जाता है। तो चलिए अब इन सबको साइड में रख देते हैं और बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड की। तो इसका जो चार्जिंग केस है वो फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी गुड लुकिंग लगता है। मिनिमल ब्रांडिंग, स्मॉल कॉम्पैक्ट कैप्सूल साइज डिज़ाइन एंड मैट फिनिशिंग आपको एक प्रीमियम फील जो है वो ऑफर कर देती है। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास यहाँ पे ब्लू, येलो एंड ग्रीन कलर का भी ऑप्शन है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी डिसेंट है एंड कह सकते हैं कि 2000 रुपीज़ की जो प्राइस टैग है उस हिसाब से अच्छी है। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखेगा कि इसमें स्क्रैचेस जो है वो इजीली पड़ सकते हैं। सबसे प्राइम पॉइंट जो है इसका वो ये है कि कॉम्पैक्ट साइज है इसकी एंड लाइट वेट डिज़ाइन है, काफ़ी लाइट वेट है ये। एंड ज़्यादातर आपने बजट ईयरबड देखे होंगे जिसमें बल्की एंड बिग चार्जिंग केस दिए जाते हैं जिसको पॉकेट में कैरी करना जो है इतना आसान नहीं होता, बट यहाँ पे साइज काफी स्मॉल है जिस वजह से इसको डेली बेसिस पे पॉकेट में कैरी करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड इसकी जो लीड है उसको क्लोज एंड ओपन करना काफी स्मूथ है। मैग्नेट लॉकिंग जो है अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पे जो ईयरबड के नीचे चार्जिंग केस में मैग्नेट है वो भी काफ़ी अच्छे से ईयरबड को होल्ड करके रखता है जिस वजह से डे टू डे यूज़ जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ईयरबड की डिज़ाइन की बात करें तो प्रीवियस हमने नॉइस के बाकी जितने ट्रू वायरलेस ईयरबड देखे इस प्राइस रेंज में वैसे ही काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है। एंगल ईयर टिप्स है एंड फ्रंट में आपको नॉइस की ब्रांडिंग मिलती है जो कि एज ए टच कंट्रोल भी वर्क करती है, तो ओवरऑल लुक वाइज ये काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। साइज थोड़ी सी बड़ी लगती है, ऑफकोर्स इससे कंफर्ट में भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। अगर आपके ईयर्स की साइज जो है स्मॉल या फिर मीडियम है तो आपको कंफर्ट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है या फिर आपको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी सिलिकॉन ईयर टिप्स जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है जो इसका एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो। बाकी ओवरऑल सबके लिए मैं नहीं कह सकता, बट मेरे लिए डिज़ाइन इतनी कंफर्टेबल नहीं साबित हुई। कंटिन्यूस 1 आवर यूज़ के बाद मुझे थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल लगने लगा। एंड यहाँ पे हमारे जो ईयरबड है वो IPX4 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है, यानी कि स्वेट एंड मीडियम रेन में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरी तरह से जो है वाटरप्रूफ नहीं है, ज़्यादातर ईयरबड्स इस प्राइस रेंज में होते भी नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज का जो सबसे बेस्ट सेलिंग ईयरबड माना जाता है अभी तक बोट एयरड्रॉप्स 441, वो आपको IPX7 रेटिंग के साथ आता है। इसके बाद कनेक्टिविटी एंड कंट्रोल्स की बात करें तो ये ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, iOS एंड Android दोनों को सपोर्ट करता है एंड इसको कनेक्ट करना भी जो है काफ़ी आसान है दूसरे ईयरबड की तरह। बस चार्जिंग केस आपको ओपन करना है और ये पेयरिंग के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा सिंपली विद इन फ्यू सेकंड। ये आपके फ़ोन से किसी भी ब्लूटूथ सपोर्टेड डिवाइस से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। मैंने 2 डेज तक जो है इसको टेस्ट किया है, कनेक्टिविटी को लेके मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिला। एक बार किसी भी डिवाइस से एक बार जो है पेयर करने के बाद आपको दूसरी बार वापस कनेक्ट करने या फिर डिसकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वापस चार्जिंग केस में इसे रखोगे ये डिसकनेक्ट हो जाएगा और जैसे ही आप वापस निकालोगे ये वापस जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इन ये मोनो मोड भी जो है सपोर्ट करता है, तो आप एज अ सिंगल ईयरबड भी इसे यूज कर सकते हो।
एक बार टच कंट्रोल की बात करें तो ये काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। आप म्यूजिक, वॉल्यूम या फिर इनकमिंग कॉल्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप सीरी या फिर गूगल वॉइस असिस्टेंट भी जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ पे चार्जिंग केस में 380 mAh की बैटरी मिल जाती है। ईयरबड्स में कितनी बैटरी है वो तो कंपनी को भी नहीं पता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी दी नहीं है। पर हम गेस कर सकते हैं कि 80-90 mAh की बैटरी जो है एक ईयरबड में होगी। एंड कंपनी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कंटिन्यूस 5 hours का म्यूजिक प्लेबैक टाइम जो इस ईयरबड से मिल जाता है। एंड चार्जिंग केस की मदद से आप टोटल 15 hours का जो है कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम जो है वो ले सकते हो। बट हमारी टेस्टिंग में हमें ईयरबड में जो है अप्रोक्स 3-4 hours का म्यूजिक प्लेबैक टाइम जो है वो देखने को मिला है 80-90 वॉल्यूम पे। एंड इस हिसाब से चार्जिंग केस को गेस कर सकते हैं तो अप्रोक्स 12 hours का कंटिन्यूस प्लेबैक टाइम जो है आपको दोनों के कॉम्बो से मिल जाएगा, जो कि बुरा नहीं है। ज़्यादातर इस प्राइस रेंज के जो ईयरबड्स होते हैं उनमें इतनी ही कैपेसिटी देखने को मिलती है, एंड एक नॉर्मल यूजर के लिए मोर देन इनफ है। बट एक बात जो है मुझे अच्छी नहीं लगी कि 2021 जो है स्टार्ट हो गया है एंड ये अभी भी माइक्रो यूएसबी पोर्ट पे ही अटके है, जबकि ज़्यादातर इस प्राइस रेंज के बोट रियलमी एमआई के जो बेस्ट सेलिंग ईयरबड्स है उनमें आपको यूएसबी टाइप सी जो है देखने को मिलता है। अब साउंड क्वालिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कंपनी इसमें 6 mm के जो है ड्राइवर्स लगे हुए हैं एंड आई थिंक SBS एंड AAC कोडेक जो है ये सपोर्ट करता है। ऑफ कोर्स FTX या फिर LSDC हम इस प्राइस रेंज में जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि 2000 rupees की जो प्राइस टैग है उसमें तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट इसकी जो एक्चुअल प्राइस टैग है 5990 rupees उसमें जो ये होना ही चाहिए। बट एनीवे साउंड पे लौटते हैं, ओरल ऑडियो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हाई है। एक ओरल आपको एक डिसेंट ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे जो है मिल जाती है। मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी जो है वो निकली है। बेस नोट की सबसे पहले बात करें तो बेस नोट जो है वो काफ़ी अच्छा है एंड एक पंची फील जो आपको ये ऑफर करता है जो कि सुनने में अच्छा लगता है। एंड अच्छी बात ये है कि बेस नोट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब बेस है एक अच्छी अमाउंट में है और आपको फील भी होता है एंड जितना होना चाहिए उतनी ही अमाउंट में है। बाकी सारे म्यूजिक नोट जो है उस वजह से ट्रबल एंड वोकल जो है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से जो है ओवर पावरेड नहीं होते, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा बहुत किसी नोट में आपको फील होगा बट आई थिंक 2000 rupees की जो प्राइस टैग है उसके कंपेयर में जो दूसरे हेडफोन है उसके हिसाब से बात की जाए तो काफ़ी बेटर है। एंड यहाँ पे सिक्योर फिटिंग के वजह से भी जो आपको नॉइस आइसोलेशन तो अच्छा मिलता ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको ऑडियो क्वालिटी में भी इसका एडवांटेज जो है वो मिलता है। अब यहाँ पे गेमिंग की बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको एक गेमिंग मोड भी जो है वो ऑफर किया जाता है, जहाँ पे आप राइट ईयरबड को जो है 3 times तक कंटिन्यूस प्रेस करके जो है वो ऑन कर सकते हो। बुलेट की एक थोड़ी सी साउंड आएगी, उसके साथ जो है आपका गेमिंग मोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे कंपनी के अकॉर्डिंग 65 ms की लेटेंसी जो है ये ऑफर करता है, जिस बात पे मुझे बिल्कुल भी जो है वो भरोसा नहीं है, क्योंकि SBC कोडेक में आपको मुझे नहीं लगता है कि इतनी कम लेटेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है, अभी तक किसी ईयरबड में जो है मैंने नहीं देखी है। वैसे तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है, बट मुझे लगता है कि 100 से 120 से नीचे जो है लेटेंसी यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। एंड ये नंबर भी SBC कोडेक के लिए जो है ठीक ही है। इस प्राइस में बोट MI या फिर रियलमी के जो दूसरे ईयरबड्स हैं वो भी इतनी ही लेटेंसी जो है क्लेम करते हैं, तो इसमें इसका कोई जो है ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी आप मोबाइल गेम के लिए जो है इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वायरलेस ईयरबड ऑफकोर्स यूज़ नहीं करोगे, वायर के साथ ही जाओगे या फिर FTX लो कोडेक के साथ जो है आप जाना पसंद करोगे। तो ये था मेरा फुल रिव्यू इस प्रोडक्ट का। ईयरबड्स वैसे तो काफ़ी डिसेंट है, डेफिनेटली जो है वो खरीदने लायक है, बट 5900 rupees की प्राइस मुझे नहीं लगता कि इसके लिए जो है सही प्राइस टैग है। 2000 rupees आई थिंक इसकी जो है सही प्राइस टैग है एंड इसी प्राइस रेंज तक जो है आपको इसे खरीदना चाहिए। एंड यस, ये डेफिनेटली गीकमैन की जो बेस्ट वायरलेस ईयरबड अंडर 2000 rupees की लिस्ट है अभी की, उसमें डेफिनेटली ये शामिल हो पाएगा। प्रोज कॉन्स आप देख सकते हो, अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपके यूज़ के हिसाब से सही है तो आप डेफिनेटली जो है मेरी गारंटी के साथ इसे खरीद सकते हो। बाकी चेक करना है कि अभी मार्केट में कौन सा बेस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर ईयरबड है जो आप इस प्राइस रेंज में खरीद सकते हो, तो हमारी वेबसाइट geekman.in पे जाइए और चेक करिए टॉप 5 बेस्ट ब्लूटूथ ईयरबड या फिर ईयरफोन अंडर 2000 rupees की लिस्ट, जिसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जहां पे आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक लेटेस्ट एंड बेस्ट ब्लूटूथ ईयरबड या फिर ईयरफोन कौन सा है अभी के लिए मार्केट में वो आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जो आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए